नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शनिवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। बता दें आपको कि हाल में ही हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा पुरानी नियोजन नीति को रद्द कर नई नियोजन नीति लाने की घोषणा की गई थी, जिससे नाराज होकर विरोध प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका है। परिषद की ओर से कहा गया कि हेमंत सोरेन की सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के हित का काम करने का मात्र दिखावा करती है। जिस तरह से पुरानी नियोजन नीति को रद्द किया गया है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। विद्यार्थी परिषद ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा कहा गया कि पुरानी नियोजन नीति के तहत जिन विद्यार्थियों को नौकरी मिली थी, अब वे केवल कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। छात्रों की मांग है कि सरकार नियोजन नीति को लेकर जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करे, नहीं तो धीरे धीरे विद्यार्थियों का आंदोलन और उग्र होगा। राज्य के युवा सरकार बना सकते हैं तो गिराने की भी ताकत रखते हैं। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, किसी न हर किसी मुद्दे पर वह असफल होते नजर आ रही है, और ये असफलता को छुपाने के लिए पूर्व में जो भी नीति बनाई गई है, जो कि हमारे राज्य सरकार के युवाओं के छात्रों के मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए नीति बनाई गई थी, उसे कहीं ना कहीं इस नियोजन नीति में के तहत दोबारा फिर से नियोजन नीति बनाकर, जिसका अभी तक उन्होंने अधिसूचना भी जारी नहीं किया गया है, आज पूरे झारखंड प्रदेश में उहापोह की स्थिति बनी हुई है, जिसमें छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। ऐसे पंचायत सचिव आप देख सकते हैं, जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी, हर गली हर गली मोहल्ले चौराहे पर, विधानसभा हो या सचिवालय हो, हर जगह धरना प्रदर्शन इसी का दौर जारी रह रहा है। आप बताइए कि हम क्या सरकार इसलिए बनाते हैं कि युवा परेशान रहे? हम इसलिए सरकार नहीं बनाते हैं। तो आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर के तरफ से वो वैसे छात्र छात्राओं व अभ्यर्थियों की मतलब आवाज़ को उठाने के लिए हेमंत सरकार और हेमंत सरकार के कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, उनका पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पे किए हैं कि जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करें और जो भी नीतियाँ हुई हैं उन्हें फिर से पुनः बहाल करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।